देती थी तो एक स्पोर्टी हैचबैक है। ऑटोमेटिक हैचबैक कौन सी अच्छी है? हैचबैक में ऑटोमेटिक कौन सी? ये ऑटोमेटिक ही होती है। नहीं, ऑटोमेटिक में सबसे अच्छी हैचबैक कौन सी है? यही से टियागो। वॉक्सवैगन की कैसी है? वॉक्सवैगन की हज़ा। नहीं, वॉक्सवैगन की कौन सी अच्छी है? क्या? वॉक्सवैगन की। वॉक्सवैगन की हैचबैक ऑटोमेटिक कौन सी अच्छी है? एक ही आती है इसकी हैचबैक। कौन सी? पोलो। पोलो ही इंडिया में अवेलेबल है। मुझे सिर्फ मारुति और हुंडई और टाटा के बारे में पता है। हुंडई के तो पता नहीं। रतन टाटा भी जानता है बस। ऐसे बनाने नहीं पड़ता। ऐसे वो बनाने नहीं देता ना। चुपचाप बनाओ तो ही बनाने देता है। अच्छा, नई गाड़ियाँ कौन सी आई है अभी? नई कंपनी कोई चाइना की कंपनी कौन सी है जो गाड़ियाँ बना रही है? एमजी। एमजी कौन सी इंडिया अवेलेबल? एमजी आई थी अभी भी तो है। हेक्टर, ग्लॉस्टर, बस एसयूवीज ही हैं। दो एसयूवीज हैं। और किया आई है नई नई। किया की कौन कौन सी आ रही है? किया सेल्टॉस आई है इंडिया। और किया की कौन सी आ रही है? सोनिक। प्रियम कैसी है किया की गाड़ी? किया की गाड़ियाँ तो पता नहीं क्या करने लगती है। डिसबैलेंस हो जाती है गाड़ी चलाने में। ब्रेक सिस्टम किसका अच्छा है? ब्रेक सिस्टम तो इंडिका का। नहीं, ब्रेक सिस्टम किसका अच्छा है? दोनों गाड़ियों का टाटा की, इंडिका और उनका। तो मेरा इंडिका नहीं क्यों किया? मतलब इनमें एक वो बूस्टर लगा होता है, वो गाड़ी को पहले तेज दौड़ाता है और फिर ब्रेक मार देता है। ब्रेक मारने ABS कर दे। ABS का मतलब जो ब्रेक आसानी से मार दे। और कुछ कुछ गाड़ियों में तो रियर पार्किंग सेंसर्स होते हैं, मतलब उसमें अगर रिवर्स करोगे तो वही जल जाएगा। खाने लगी गाड़ी सब में। फॉर्च्यूनर में भी है, मामा की क्रेटा में भी है। क्रेटा में भी है वो तो। कौन कौन सी गाड़ी? क्रेटा की तो आवाज ही सुन ले। आ गई मामा, आ गए क्रेटा आ गई। अच्छा, फॉर्च्यूनर एंड ये दूसरी कौन सी है तुम्हारी? फोर्ड एंडीवर। इन दोनों में बेटर कौन है? दोनों ही बेहतर है। अच्छा, लेकिन फॉर्च्यूनर का नया ब्रांड थोड़ा फेल साबित होता है, क्योंकि ये एंडेवर को खींच नहीं पाता। स्पीड सिर्फ 8 से 9 तक ही आ पाती है, ऊपर जा नहीं पाती इतनी भारी। इस एंडेवर का वेट ज्यादा है फॉर्च्यूनर से। वेट? हाँ। तो किस उससे क्या फायदा होगा एंडेवर का वेट ज्यादा होने से? गाड़ियाँ पावरफुल गाड़ियाँ भी इसके आगे भीगी पड़ जाती हैं। किसके आगे? एंडेवर। एंडेवर के आगे भीगी पड़ जाती हैं। हाँ, ये मर्सिडीज में कौन सी गाड़ियाँ जानते हो यार? मर्सिडीज की तो अभी नई नई इलेक्ट्रिक आई है। कौन सी? XL 400। नई आई है, इलेक्ट्रिक है। हाँ। इलेक्ट्रिक का क्या मतलब है? गाड़ियों का क्या होगा उससे फायदा? मतलब इसमें कोई स्टेशन की जरूरत नहीं है। हाँ। गाड़ी चलेगी और चार्ज होती जाएगी। ओके। और चलेगी किससे? पेट्रोल से? पेट्रोल नहीं, इलेक्ट्रिक से ही, बिजली से ही। बिजली से ही? और चार्ज खुद ही कर लूं? नहीं, ड्राइवर को कोई जरूरत नहीं। ड्राइवर को बस गाड़ी चलाओ। चार्ज कैसे होगी? वो अपने गाड़ी चलते चलते चार्ज होंगी, उसके बाद सोलर आ जाएगा। सोलर एनर्जी से? नहीं, सूरज की रोशनी से। और वही तो कह रहा हूँ, सोलर एनर्जी। और रात को बैटरी से चलाओ। दोनों चीजों से यूज कर सकते हो। अच्छा, बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी फिर? नहीं। तो ये इलेक्ट्रिक वाली एसयूवी है, कैसी है? हैचबैक है, 5 सीटर एसयूवी ही है। एसयूवी है। और कॉस्ट क्या है इसकी? क्या
कॉस्ट क्या है, कितने की है, प्राइस कितना है, कुछ नहीं पता होगा ऐसे। प्राइस तो इसका महंगा ही 5 से 15.5 लाख। वो गलत बताया आपको। अरे BMW गाड़ी और मर्सिडीज में क्या कौन सी अच्छी होती है? अरे BMW की और मर्सिडीज में तो एक ही अंतर है, और इसके लिए पूरे 1 करोड़ चाहिए। क्या 1 करोड़ चाहिए इसको, इन गाड़ियों को खरीदने के लिए? अच्छा, इन गाड़ी खरीदने के लिए BMW और मर्सिडीज दोनों को खरीदने के लिए 1 करोड़ चाहिए? हाँ। नहीं, BMW इतनी महंगी नहीं है। कौन सी अच्छी है BMW? क्योंकि उनमें गियर बाकी हैचबैक्स और बाकी SUV से ज्यादा होते हैं, 7 या 8 या 9 गियर्स होते हैं। कितने गियर होते हैं? 9 गियर। आजकल तो ऑटोमेटिक आ रही है गाड़ियां, गियर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मैनुअल क्यों चलाओगे? मैनुअल में ज्यादा आराम है। क्यों? क्योंकि अगर ये ऑटोमेटिक हुआ तो ये सब स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है, और इसकी वजह से काफी दिक्कतें हो सकती हैं। कैसी दिक्कतें? मतलब कभी कभी तो खराबी आ जाती है। किसमें खराबी आ जाती है? इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर्स। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिरर में? ओके। तो उससे क्या अंतर पड़ता है? इससे गाड़ी खुलेगी नहीं, लॉक हो जाएगी अपने आप। हाँ, लॉक हो जाएगी। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। और जगुआर कैसी है? जगुआर तो और ज्यादा खतरनाक है। क्यों खतरनाक क्यों है? क्योंकि इसमें कोई अच्छा फीचर ही नहीं मिलते। अच्छा फीचर ही नहीं है कोई? एक गाड़ी आई थी फ्लॉप साबित हुई। हेलो, एक गाड़ी आई थी फ्लॉप। तो लोग ज्यादा खरीदे कहाँ? इंडिका ने तो पूरा 20 साल तक राज किया, और खरीदा ही किसी ने? मामा के अलावा किसी ने खरीदी नहीं? खरीदी तो, लेकिन बाद में पता ऑक्सीजन का देते रहे तो रुक जाए, ठीक होके ही जाए। ठीक है, अस्पताल का नहीं लेंगे। 7 सीटर होती है, लेकिन 2 सीटर है, क्योंकि उसमें 2-2 सीट जुड़ी है पीछे, मतलब ऐसे और ऐसे। छोटी छोटी गाड़ियाँ जो स्मार्ट सी आती हैं 2 सीटर, वो कहाँ मिलती हैं? आप इंडिया में हैं? नहीं, ये सब यहाँ नहीं, अभी कहीं इंडिया में एक आध आती है बस। अपने लखनऊ में भी तो है एक। लखनऊ में बस क्या दो? बस दो ही होती है इंडिया में, ज्यादा चलते नहीं। तू रशीद, गाड़ी खरीदते टाइम किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? अच्छा, सेविंग्स का मतलब, अगर पैसे ज्यादा नहीं लाख, अगर पैसे ज्यादा ना हो तो समझ गए इन्वेस्ट करो। फ्रॉड का कैसे मतलब, अगर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा तो कुछ नहीं बचेगा। ये तो बात सही है। अरे आंसर तुमने फर्स्ट मतलब फुल टॉप क्लास आंसर दिया। फ्रॉड। एक गाड़ी है जो बहुत अच्छी होती है, वो टूट हो रही है। कौन सी? मस्टैंग। हाँ? क्या हो रही है? मस्टैंग कौन सी गाड़ी है? सुनिए, बता बताता रहता है। मस्टैंग फोर। क्या हो रही है? क्या खास बात है? इसमें कोई खास बात नहीं, पीछे घुसने में ज्यादा दिक्कत। नहीं तो क्या? ये कहाँ आ गया? टू डोर का मतलब होता है। अच्छा, टू डोर है। हाँ, मतलब ये परेशानी करने के लिए। पीछे मैं बैक में कर रहा हूँ। लंबा दरवाजा होता है, सीट फोल्ड करके। देखो दादी फंस जाओ, दादी फंस। और बताओ गाड़ी के बारे में कुछ नया जो हम लोग को नहीं पता हो। हमें तो कुछ नहीं पता है वैसे। एक थार भी तो आई है गाड़ी, महंगी गाड़ी है थार। मैंने भी सुना था थार के बारे में। आई है। किसकी है थार? महिंद्रा। इसमें तो कई प्रॉब्लम आ जाती है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? मतलब पानी कभी कभी इसके हार्ड टॉप वेरिएंट से गिरने लगता है। कहाँ से गिरने लगता है? हार्ड टॉप वेरिएंट में छत से पानी लीक करता है। नहीं, गाड़ी धोते समय। अच्छा, धोते समय ऊपर से पानी लीक कर रहा है उसमें। अच्छा, रानी तुम्हें खरीद लेती बेकार में, तुमने बता दिया।
ये कार बहुत बोल दे ऑक्सीजन में कंसंट्रेटर चलेगी ना, ऑक्सीजन भी हम लगा देंगे, दवा लेते रहो तो फंस जाती है कहीं ना कहीं। अच्छा, और एक मार्टिन निकला ना ऑक्सीजन का भी नहीं देंगे, कल तक ऑक्सीजन बंद हो जाएगी। कौन से मॉडल आते हैं पूछ ले, ठीक है। बीएमडब्ल्यू कौन कौन से मॉडल आते हैं? बीएमडब्ल्यू की X7 X1 ये सब बताई थी गाड़ी, वो बताई थी। सर की कौन सी है? सर की तो है स्कोडा। स्कोडा।